हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टिफिन रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे इसमें पानी। तो पानी जब हम ऐड करेंगे तो धीरे धीरे एक घोल बनाते हुए ऐड करेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाते हुए पानी डालेंगे ताकि जो आटे में लम्स ना रहे। इस तरह से धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका एक घोल बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो जो घोल हमने बनाकर रेडी किया है उसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे और यहाँ पर एक तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, साथ ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ पर ऐड करूँगी मैं। आप चाहें तो यहाँ पर राई का तड़का या फिर चने की दाल का तड़का भी बना सकते हैं, मेरे पास राई नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना है हमने। अब हम इसको मिला देंगे घोल में। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप ग्रेटेड गाजर और साथ ही ले रही हूँ पुदीना के पत्ते। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते नहीं है तो हरा धनिया भी आप इसकी जगह पर ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हम घोल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का बैटर बनाकर हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। अब यहाँ पर एक पैन को गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे इसको हम अच्छे से। तो अब हमने इस तरह से बैटर लेकर पैन में फैला लेना है। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो जितना ये पतला रहेगा उतना अच्छे से पकेगा, उतना अच्छे से सिकेगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो ये देखिए, इस तरह से फैला लेंगे हम इसको पैन में और हम इसको पकने देंगे नीचे की साइड से, कम आँच पे पकाएंगे इसको। और जब एक तरफ से पक जाए, लगभग 2 से 3 मिनट लगता है इसको पकने में एक साइड से, तो ऊपर की तरफ से जब ये ऊपर की लेयर सूखने लगेगी तो हम इसको भी ग्रीस कर लेंगे और इसको हम अब पलटेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इसको। तो देखिए, यहाँ पर आटे का पराठा या चीला आप जो भी कहें बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत हमको नहीं है। घर में मिलने वाले आटे से बस बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको रोल करके बच्चों के टिफ़िन में दें। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और सॉफ्ट रहता है, बच्चों को बेहद पसंद आता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।